हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बर्क एप्लीकेशन में सऊदी लोकल बैंक एटीएम कार्ड से आप पैसा कैसे ऐड करिएगा। लेकिन मेरे पास कुछ दोस्तों का कमेंट आया कि भाई इसमें बैंक एटीएम कार्ड से पैसा ऐड नहीं हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका भाई है ना। बात सही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें एटीएम कार्ड से पैसा ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरे तरीका से आप इसमें पैसा कैसे ऐड करिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको इस तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप पहले वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने भाई के वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले आप जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑन कर दो, आगे भी मुझे और मेरे वीडियो को झेलने के लिए। तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। ओके, अब मैं और बकबक नहीं करके शुरू करता हूं आज का वीडियो। ओके दोस्तों, मैंने बर्क एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूं और इसमें पैसा ऐड करने के लिए अभी ऐड मनी पे क्लिक करना है। इसमें आप दो तरीका से पैसा ऐड कर सकते हैं, पहला है बैंक एटीएम कार्ड के जरिए और दूसरा तरीका है कि आप इस एएनबी बैंक अकाउंट को भी यूज करके आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए अभी मैं आपको करके बताता हूं। तो अभी मैं अपना अलराजी बैंक एप्लीकेशन से बर्क एप्लीकेशन में पैसा ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी आपको सबसे पहले इस अकाउंट होल्डर नेम और साथ ही इस आईबीएएन नंबर को कॉपी कर लेना है। अब मैं अपना अलराजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद अब आपको यहां ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां न्यू बेनिफिशियरीज पर क्लिक करें, यहां लोकल बैंक बेनिफिशियरीज ऑप्शंस पर क्लिक करें। अब दोस्तों, आपने बर्क एप्लीकेशन में जो एएनबी बैंक का आईबीएएन नंबर कॉपी किया था, उस नंबर को यहां पर एंटर करना है। आईबीएएन नंबर एंटर करने के बाद बैंक नेम पर क्लिक करते साथ ही आपको यहां अरब नेशनल बैंक देखने को मिलेगा। इसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंटर कर देना है और यहां पर कोई निकनेम एंटर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहां कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके बैंक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहां कॉल मी नाउ इस पर क्लिक करें। अब दोस्तों, आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगा तो आपको कॉल रिसीव करना है। Be aware and be careful. No official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To confirm, कॉल में बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए जितना नंबर प्रेस करने के लिए कहा जाए, आपको उस नंबर को प्रेस कर देना है। इसके बाद आपके अलराजी बैंक में बर्क एप्लीकेशन का अकाउंट नंबर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। अब बर्क एप्लीकेशन में पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहां मेक ए ट्रांसफर इस पे क्लिक करना है। आप कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहां पर इंटर कर दें। जैसे मैं अभी फिलहाल 10 रियाल एंटर कर देता हूं। अमाउंट इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अलराजी बैंक से किसी भी लोकल बैंक में पैसा ट्रांसफर करिएगा तो आपको 58 हलाला ट्रांसफर फी लगेगा। अब यहां कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फिर से बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर इंटर कर देना है। और इस तरह से अलराजी बैंक से बर्क एप्लीकेशन में पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अभी मैं चेक करता हूं कि बर्क एप्लीकेशन में पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं। ओके, अभी मैं बर्क एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। 2 मिनट के बाद बर्क एप्लीकेशन में मेरा पैसा आ गया है। तो इस तरह से अगर आप एटीएम कार्ड से पैसा ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एएनबी बैंक अकाउंट को यूज करके किसी भी लोकल बैंक से इसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई लोग, अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें पैसा कैसे ऐड करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर अभी आपको क्या करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय
एंड टेक केयर।